हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये स्टोरी का एपिसोड 5 है, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में दोनों साथ में लंच कर रहे थे, तभी उसे लिली का मैसेज आता है जो उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे रूम के बाहर हूँ, अगर तुम इसी वक्त अभी वहाँ पर नहीं आए तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी जहाँ पर तुम हो। ये बात सुन के वो लितियान से कहता है मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है तो मैं यहाँ से जाओ, जिस पर लितियान उसे कुछ भी नहीं कहती। तो चेंजु जैसे ही वहाँ से जाता है तो लिफ्ट बंद होती है, तो उसे सीढ़ियों से जाना पड़ता है। वो भाग भाग के लिली के पास पहुँचता है, वो उसे रूम में लेकर कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। पर लिली तो उससे क्लोज जाने की कोशिश कर रही थी, तो चेंजू कहता है अभी ये टाइम नहीं है। तभी उसे लितियान का कॉल आता है, वो कहती है तुम कहाँ पर हो, जिस पर चेंजुन कहता है मैं अभी आ रहा हूँ और ये कहकर कॉल काट देता है। और बाद में लिली को कहता है कि अब मुझे मत बुलाना और वहाँ से जाने लगता है। तो वो देखता है अभी भी लिफ्ट बंद थी, जिसकी वजह से उसे फिर से सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाने लगता है और लितियान के पास आ जाता है और लितियान के पास आकर बैठ जाता है। और वो इतनी सीढ़ियाँ उतरने के बाद ठीक से सांस भी नहीं ले पाता, उससे पहले लितियान उसके मुंह में खाना ठूस देती है और साथ में उसे वाइन भी पीने को देती है। और ये सब कुछ एक साथ करते हुए उसका खाना बाहर आ जाता है, तभी उसे लिली का मैसेज आता है, दोबारा से बुला रही होती है और साथ में धमकी भी देती है, जिसकी धमकी देखकर चिंजू को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अब। जिस पर लितियान कहती है क्या तुम्हें दोबारा से बिजनेस की तरफ से कॉल आ रही है, जिस पर चिंजू हाँ कहता है। तो लितियान कहती है तो ठीक है जाकर बात कर लो। तो ये बात सुनकर वो जल्दी से लिली के पास पहुँचता है, वो भी सीढ़ियों से। और जब लिली के रूम में पहुंचता है तो उसे वोमिट आ जाती है, तभी इतने में ही लितियान वहां पर आ जाती है जो डोर नॉक कर रही थी, कहने लगती है कि चेंजुन क्या तुम रूम में आ गए। तो जिसकी आवाज़ सुनकर चेंजू लिली को कहीं पर छुपाने लगता है और उसके बाद लितियान के लिए डोर ओपन करने के लिए जाता है। अब उसने लिली को वॉशरूम में छुपा रखा था। लितियान अंदर आकर कहने लगती है तुम वहाँ पर पहुँचे क्यों नहीं, खाना ठंडा हो रहा था, जिस पर चेंजुन कहता है क्यों नहीं हम अभी चलते हैं। पर लितियान वहाँ से क्यों ही जाने वाली थी, वो तो उसके पूरे रूम को देखने लगती है, यहाँ तक कि उसके वॉशरूम में भी चली जाती है। लितियान लिली को ढूंढने लगती है लेकिन लिली वहाँ पर नहीं थी, वो तो बाथटब के पानी के अंदर चली गई थी। तो लितियान वहीं पर ही अपने हाथ धोने लगती है, तभी पानी में से आवाज आने लगती है। तो चेंजुन वहीं पर जाकर जल्दी से बैठ जाता है और फिर उसके बाद आराम से हाथ धो के वहाँ से जाने लगती है। और वो कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम कर सकते हो। लितियान जैसे ही उसके रूम से जाती है तो वो जाकर जल्दी से लिली को बाहर निकालता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से चेंजुन उसे उठाकर उसे कार में ले जाता है। पर वो वहाँ पर बात करने लग जाती है, जिसके मुँह से बबल्स निकलने लग जाते हैं, जिसे देख कर चेंजुन कहता है कि तुम नहीं बात करो तो अच्छा है। अब ये सब कुछ लितियान भी देख रही थी और देख देख कर काफी खुश हो रही थी कि उसने कैसे मजा चखाया लिली को। तभी वहाँ पर श्यामू भी आ जाता है, जिसे देखकर पहले तो लिली डर जाती है, पर श्यामू काफी गुस्से में था और उसे वो फोटो दिखाने लगता है जिसमें चेंजू ने उसे गाल पे किस किया था। वो कहता है कि क्या तुम उससे अभी भी प्यार करती हो, जिस पर वो कहती है वो किस तो मैंने ऐसे ही कलवा ली क्योंकि वो ही मेरा प्लान था। ये बात सुनकर श्यामू कहता है कि तुम्हें किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस पर वो कहती है नहीं, जिस पर श्यामू कहता है तुम्हें कोई भी किस कर सकता है, जिस पर वो कहती है हाँ। ये बात सुनते ही श्यामू लितियान को किस कर लेता है, जिस पर लितियान उसे दूर करके थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम जो हो वहीं पर ही रहो, तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो। ये बात कहकर लितियान वहाँ से चली जाती है। उसके बाद श्यामू को इतना गुस्सा आ रहा था कि लितियान को उससे प्यार क्यों नहीं हो रहा। जब लितियान अपने रूम में पहुँचती है तो वो देखती है चेंजू ने पहले से ही प्रिपरेशन की रखी थी, जिसे देखकर लितियान कहती है तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर वो कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, कोई और मुझे कैसे रोक सकता है। और ये कहते हुए वो क्लोज आ रहा था, जिस पर लितियान उसे कहती है अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जिस पर चेंजुन कहता है कि अभी तो हम शादी करने वाले हैं तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। तो जिस पर लितियान झूठ कहती है अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। तो जिस पर चेंजुन कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि तुम झूठ बोल रही हो, जिस पर उसे लगता है कि उसने उसे पकड़ लिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और ऐसा ही होता है, वो उसे बेड पर पटक देता है और ज्यादा ही जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर लितियान उसे एक चाटा मार देती है। और थप्पड़ खाने के बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ये वाली साइड नहीं पता थी, ये वाली साइड भी मुझे अच्छी लगी। और दोबारा से उससे क्लोज जाने लगता है, जिस पर उसका ब्रेसलेट भी दब जाता है और श्यामू फौरन से वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको पकड़ कर दूर धकेलता है और उसे अच्छा खासा मारते हुए रूम से बाहर ले जाता है।
तो जिस पर चेंजुन कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम सिर्फ बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड ही रहो और मैं वैसे भी उसका फियांसे हूँ। ये बात सुनकर श्यामो लिथियान की तरफ दिखता है कि तुम ठीक हो या नहीं, जिस पर लिथियान कहती है मैं ठीक नहीं हूँ। इस पर चेंजुन कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लिथियान को क्यों बीच में ला रहे हो। पर लिथियान तो सोने के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद शामू चेंजुन से कहता है कि आइंदा से ऐसी हरकत मत करना, अगर की ना तो मैं तुम्हारा हार इतना बुरा करूंगा कि तुम अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे, अभी तो मैं रुक गया। जिस पर चेंजुन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन नहीं पता। इस पर शामू कहता है हाँ मैं लिथियान को पसंद करता हूँ, इस पर प्रॉब्लम क्या है। जिस पर चेंजुन कहता है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा लिथियान के सामने लाकर रहूंगा और देखना फिर क्या होगा। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है शामू से डर कर। दूसरी तरफ लिथियान सोने की ट्राई करती है तो उसे चेंजुन की जबरदस्ती याद आ रही थी, उसके बाद शामू की ब्रेसलेट याद आ रही थी और फिर शामू की किस, इसी सब चीजों के बारे में सोचकर उसे नींद नहीं आती। दूसरी तरफ शामू उसके रूम के बाहर ही खड़ा था जब लिथियान जब रूम से बाहर आती है, जिसे देखकर वो कहती है तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो कहता है मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम में किसी को भी जाने नहीं दूंगा। जिस पर लिथियान कहती है आज मेरे साथ चेंजुन ने जो किया और तुमने मुझे बचाया उसके लिए थैंक्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरह चेंजुन मुझे अप्रोच कर रहा है वैसे ही तुम्हें मुझे प्रेटेंड करना होगा। जिस पर शामू कहता है प्रेटेंड, जिस पर वो कहती है हाँ। और जैसे ही शामू उसके क्लोज आता है तो वो थोड़ी नर्वस होने लगती है, जिस पर वो हंस के कहता है अगर तुमने मुझे ये एक्टिंग करने को दी है कि मैं तुम्हारे लिए ये एक्टिंग पूरी जिंदगी करूंगा। और ये बात सुनकर लिथियान अंदर चली जाती है और डोर के पास खड़े होकर सोचने लगती है कि ये अभी क्या हुआ मेरे साथ। और दूसरी तरफ श्यामू खुश हो रहा था कि लिथियान ने उसकी तरफ कोई तो पहला स्टेप लिया, मतलब वो उसके साथ फ्लर्ट कर सकता है। नेक्स्ट डे लिथियान एक्सरसाइज कर रही थी, वहीं पर चेंजू उसके पास आ जाता है जो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और उसे माफी भी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। पर लिथियान तो उसे इग्नोर करती है और वो कहती है कि तुम्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं है, जिस पर वो कहता है ऐसा नहीं है और वो कई सारे बॉडीगार्ड उसके सामने लाके खड़ा कर देता है कि तुम कौन सा वाला बॉडीगार्ड पसंद करोगी, हम वही वाला बॉडीगार्ड रख लेंगे। और ऐसे करके वो सभी बॉडीगार्ड्स के बारे में उसे बता रहा था। इतने में शामू आ जाता है जिसे देख कर सारे बॉडीगार्ड्स हेलो ब्रदर कहने लगते हैं। तो शामू भी उन लोगों को पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, जिस पर वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर हमें इनका ख्याल रखने के लिए हायर किया गया है। जिस पर श्यामू कहता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है तो मैं इसका ख्याल रख लूंगा, तुम सब जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो चेंजुन उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, पर वो लोग तो ये कहकर चले जाते हैं कि यहाँ पर ब्रदर श्यामू है तो हमें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ श्यामू लिथियान को सूज पहनाता है और उसके लिए बैंडेज भी लाता है, जिससे उसे पैर में दर्द हो रहा था उससे राहत मिलेगी। और वो सूज उसे फिट आ चुका था, जिस पर वो कहती है तुम्हें मेरा साइज कैसे पता चला। जिस पर श्यामू स्माइल करके कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में वो हर चीज पता है, जिस पर तो लिथियान उसे देखती रह जाती है। पर तभी उन दोनों के बीच चेंजू आकर कहता है कि लिथियान तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। ये कहकर उसे एक शॉप में ले जाता है जहाँ पर उसने वेडिंग ड्रेस बनवाया हुआ था, जो कहता है कि तुम इसे ट्राई करो और मैं भी ट्राई करके आता हूँ। ये कहकर वो लिथियान को अपने साथ ले जाता है और श्यामू जो लिथियान को रोकना चाहता था पर वो नहीं रोक पाता, इतने में ही वो डिजाइनर उसके पास आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी है तो क्यों ना तुम भी एक सूट ट्राई करो। लेकिन श्यामू नहीं कर रहा था तो वो धक्के से उसे अंदर भेज कर ट्राई करवा देता है। श्यामू को इस सूट में देखकर सारे लोग उसे देखने लगते हैं। अभी पीछे से लिथियान भी आ जाती है वेडिंग ड्रेस पहनकर, जिस पर वो लोग कहने लगते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। ये बात सुनकर श्यामू भी लिथियान की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रेटी लग रही थी। तो वो डिजाइनर कहने लगता है कि तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो, जबकि ये सुनकर तो चेंजू कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, तुम किसकी तरफ हो। तो जिस पर डिजाइनर कहता है जो ज्यादा प्यारा कपल लगेगा मैं तो उसी की तरफ हूँ। पर चेंजू ना कर श्यामू से कहता है कि तुम बॉडीगार्ड हो, तुम बॉडीगार्ड ही रहो। तो जिस पर श्यामू कहता है तुम फियांसे हो ना तो फियांसे ही रहो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, अगर शादी नहीं हुई है इसका मतलब तियान को कोई भी अप्रोच कर सकता है और आज अभी से ऑफिशियली मैं लिथियान को अप्रोच करना स्टार्ट करूंगा। ये बात सुनकर लिथियान से कहने लगता है कि लिथियान तुम इसकी जरा बात तो सुनो, तुम मुझे चूज करोगी या इसे।
ये बात सुनकर लेतियान उन दोनों को नहीं बल्कि वॉशरूम को चूज करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर फिसलता है और ये देख कर शाम जल्दी से उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। और वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे, जिस पर लेतियान कहती है हमें हमारी एक्टिंग ऐसे ही जारी रखनी होगी। तो बाकी लोग पीछे से कह रहे थे कि तुम उसे हाँ कह दो, और शामू भी कहता है तुम इसे एक्टिंग का नाम मत दो, और ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। और लेतियान भी शौक थी और चेंजू का फेस देखने लायक था। और यहीं पर ही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।